हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम फीचर फाइल में कुछ नए सिनेरियोज ऐड करेंगे और बैकग्राउंड कीवर्ड का क्या मतलब होता है फीचर फाइल में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए हमने इक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमने पहले के सेशंस में क्रिएट किया था कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल के लिए। अब आज के सेशन में हमें क्या करना है, हमें एक न्यू सिनेरियो ऐड करना है फीचर फाइल में। तो ये है हमारा फीचर्स फोल्डर, इसके अंदर सारे फीचर्स फाइल हमने स्टोर किए हैं। तो इसमें एक है कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल, कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। इस फीचर फाइल में हम एक न्यू सिनेरियो ऐड करेंगे। हमने ऑलरेडी इस फीचर फाइल में एक सिनेरियो लास्ट सेशन में क्रिएट किया था टू ऐड न्यू कस्टमर। अब आज के सेशन में हम एक और सिनेरियो इसमें ऐड करेंगे टू सर्च कस्टमर बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस। कस्टमर को हम सर्च करेंगे बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस, इसके लिए हम इसमें एक सिनेरियो ऐड करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि इस सिनेरियो के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें इस सिनेरियो के लिए हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन कौन से हमें ऑपरेशंस करने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें लॉन्च करना होगा क्रोम ब्राउजर, तो हम यहाँ ब्राउजर लॉन्च कर लेते हैं। उसके बाद हमें ओपन करना है यूआरएल, तो हमने यूआरएल भी ओपन कर लिया। फिर हम इसमें करेंगे लॉग इन एक्शन, उसके लिए हम ईमेल एंटर करेंगे और फिर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर हम लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ये डैशबोर्ड ओपन होगा। फिर यहाँ पे हम कस्टमर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर कस्टमर मेन्यू के अंदर एक मेन्यू आइटम है कस्टमर्स मेन्यू आइटम, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये वेब पेज ओपन हो जाएगा कस्टमर को सर्च करने का। अब यहाँ पे सर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, सर्च बाय ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी, आईपी एड्रेस, कस्टमर रोल। इसमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करके हम, किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। तो हम ऑटोमेट करेंगे सर्च बाय ईमेल, सर्च कस्टमर बाय ईमेल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ईमेल और यहाँ पे है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। तो हम कस्टमर का ईमेल, जिस भी ईमेल एड्रेस को हमें सर्च करना है, हम उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है विक्टोरिया, हमें इस ईमेल एड्रेस को सर्च करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ये हमारा ईमेल एड्रेस कस्टमर का, हमें इस कस्टमर को सर्च करना है। तो यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारा हमें करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है ये एक वेब टेबल है, ये एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हुआ है, जिसमें ये है हमारा हेडिंग, ईमेल नेम, कस्टमर रोल, कंपनी नेम, एक्टिव एडिट, ये सारे हैं हेडिंग और ये सारे हैं टेबल डेटा, ये सारा है टेबल डेटा। तो हमें क्या करना है, इस टेबल डेटा में हमें इस ईमेल एड्रेस को सर्च करना है, जो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमने एंटर किया है। अगर इस टेबल में ये ईमेल एड्रेस प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हमारा सर्च रिजल्ट बाय ईमेल एड्रेस, हमारा टेस्ट केस पास हो गया, सिनेरियो हमारा पास हो गया, अदरवाइज सिनेरियो हमारा फेल हो जाएगा। तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमें इन सारे ऑपरेशंस को, इन सारे स्टेप्स को हमें ऑटोमेट करना है, इस सर्च सिनेरियो को हमें ऑटोमेट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फीचर फाइल में हमें एक सिनेरियो ऐड करना है, कस्टमर डॉट फीचर्स फाइल में हमें एक नया सिनेरियो ऐड करना है इस सर्च स्टेप्स को ऑटोमेट करने के लिए, सर्च बाय ईमेल एड्रेस सिनेरियो को ऑटोमेट करने के लिए। तो हम चलते हैं वापस अपने आईडी में और फीचर फाइल हम ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा फीचर फाइल, इसमें हम एक न्यू सिनेरियो ऐड करेंगे। तो सिनेरियो के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सिनेरियो कीवर्ड राइट करना है। ये आ गया हमारा सिनेरियो कीवर्ड और फिर सिनेरियो का यहाँ पे हमें टाइटल देना है। तो मैंने ऑलरेडी स्टेप्स भी क्रिएट किए हुए, मैंने टाइटल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा सिनेरियो कीवर्ड और ये हो गया सिनेरियो टाइटल, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, और ये सारे हो गए स्टेप्स जो हमने यहाँ पे गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में राइट किया है सर्च कस्टमर बाय ईमेल सिनेरियो को ऑटोमेट करने के लिए। ये हैं सारे स्टेप्स। तो शुरू के स्टेप्स तो कुछ कॉमन ही हैं, जो गिवन है, जो प्री कंडीशन है गिवन है, यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, और उसके बाद जो एक्शन है व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल, ये यूआरएल ओपन करना है, एंड यूजर एंटर्स ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड क्लिक्स ऑन लॉगिन।
फिर आएगा जब ये सारे एक्शंस यूजर कर लेगा तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे एक हमें ये वेरिफिकेशन करना है, यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। इन एक्शंस के बाद, ये तीन एक्शंस के बाद, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, यहाँ पे एंड कीवर्ड यूज किया गया है तीन एक्शंस को कंबाइन करने के लिए। तो इन तीन एक्शंस के बाद ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, यहाँ भी वेरीफाई करना है। उसके बाद इस वेरिफिकेशन के बाद फिर आ गया हमारे यूजर्स के एक्शंस। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू एंड क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम एंड एंटर्स कस्टमर ईमेल, व्हेन क्लिक्स ऑन सर्च बटन, तो ये सारे एक्शंस करने के बाद यहाँ पे फोर एक्शंस हैं। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू एंड क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम एंड एंटर कस्टमर ईमेल, व्हेन क्लिक्स ऑन सर्च बटन, तो ये आ गया हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट। देन यूजर शुड फाउंड ईमेल इन द सर्च टेबल, फिर ये आ गया वेरिफिकेशन पॉइंट। तो इन सारे एक्शंस को करने के बाद जब यूजर सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो जो टेबल आएगी, जो सर्च रिजल्ट की जो टेबल आएगी, उसमें यूजर शुड फाउंड ईमेल इन द सर्च टेबल। तो ये आ गया हमारा एक दोबारा एक्सपेक्टेड, ये है हमारा आउटपुट। इन सारे एक्शंस का एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें ब्राउजर को क्लोज करना है। तो ये तो हमने फीचर फाइल में सिनेरियो ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमें इसके लिए पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना है। कौन से पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना है, तो ये जो हमारा सर्च पेज है इसके लिए हमें पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करना है। तो इसमें यूजर को कौन कौन से वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करना है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो इस पेज पे सबसे पहले तो यूजर को यहाँ पे एंटर करना है ईमेल एड्रेस, क्योंकि यूजर को सर्च करना है बाय यूजिंग ईमेल आईडी। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर इस वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करेगा, अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस उसको सर्च करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंटर करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला वेब एलिमेंट जिससे यूजर को इंटरेक्ट करना है। उसके बाद यूजर को इंटरेक्ट करना है इस सर्च बटन से, इस पे यूजर को क्लिक एक्शन करना है। उसके बाद यूजर को इंटरेक्ट करना है इस टेबल से, जो सर्च रिजल्ट का जो टेबल है ना, इससे इंटरेक्ट करना है, क्योंकि इस टेबल में यूजर को ईमेल एड्रेस को सर्च करना है कि जो ईमेल एड्रेस यूजर ने इस ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया था, वो ईमेल एड्रेस इस टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इन तीनों वेब एलिमेंट्स के साथ यूजर को इंटरेक्ट करना है, इसीलिए हम इन तीनों वेब एलिमेंट्स को पहले तो फाइंड करेंगे पेज ऑब्जेक्ट क्लास में, और इन पे होने वाले एक्शंस को भी हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास में ही राइट करेंगे। तो चलते हैं अपने आईडी में और हम एक पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट क्लास हमें कहाँ क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल पैकेज क्रिएट किया है, पेज ऑब्जेक्ट पैकेज। इसी पेज ऑब्जेक्ट पैकेज में हम सारे पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक, देन न्यू क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं सर्च कस्टमर पेज एंड फिनिश। तो इस पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वेब ड्राइवर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फिर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जैसे हमने लॉगिन पेज के लिए किया था ना, ठीक है ऐसे ही। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और हम अकॉर्डिंगली इस कोड को हम मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये वेब ड्राइवर को ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए ही, और हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम चेंज करना है। तो ये जो क्लास का नाम है हमें यही रखना है कंस्ट्रक्टर का नाम। तो हमारा ये दोनों स्टेप तो हो गया पेज ऑब्जेक्ट क्लास का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है, इसके बाद हमें वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं वापस हम, यहां पे हमें फाइंड करना है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स को। तो इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक किया हमने वेब एलिमेंट पे, देन इंस्पेक्ट, और ये रही इसकी HTML प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमें आईडी की वैल्यू गिवन है, आईडी इक्वल सर्च ईमेल। तो हम बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम इस वेब एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड में, और यहाँ हमारा स्टेटमेंट होगा @ फाइंड बाय आईडी इक्वल्स, और यहां हम दे देंगे डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू। आईडी की वैल्यू हमने क्या कॉपी की थी, आईडी की वैल्यू है सर्च ईमेल, ये कॉपी कर लिया हमने,
और यहां इसे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वेब एलिमेंट, ईमेल एड्रेस, और साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमें क्लिक करना है सर्च बटन पे, तो हम इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, देन इंस्पेक्ट, राइट क्लिक किया, देन इंस्पेक्ट, और इसकी ये रही प्रॉपर्टीज। तो इसकी भी हमारे पास आईडी की वैल्यू गिवन है, सर्च हाइफन कस्टमर्स, तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। एट द रेट फाइंड बाय आईडी इक्वल्स डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू एंड देन वेब एलिमेंट सर्च बटन। अब इन दोनों वेब एलिमेंट्स को तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इनमें क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं हम वो भी राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एंटर करना है ईमेल एड्रेस, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पब्लिक वॉइड एंटर ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस हमें इसमें क्या एंटर करना है, जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज आएगा वो, तो यहाँ पे हम इसको पैरामीटराइज कर देते हैं। स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में आएगा वो ईमेल हमें एंटर करना है। तो वेब एलिमेंट का नाम ईमेल एड्रेस डॉट सेंड कीज, और जो भी इसमें ईमेल एड्रेस है हमें वो यहाँ पे सेंड कीज मेथड में एंटर करना है। तो हमने ईमेल एड्रेस तो एंटर कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट तो कोई ईमेल एड्रेस आता नहीं है इसमें, जब हम इस पेज को ओपन करते हैं तो आई डोंट थिंक हमें कुछ क्लियर करने की जरूरत है एंटर करने के पहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑलरेडी क्लियर्ड ही है टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने ईमेल एड्रेस तो एंटर कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए भी हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन सर्च बटन, और सर्च बटन पे क्लिक करने के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, वेब एलिमेंट का नाम सर्च बीटीएन, ये जो वेब एलिमेंट हमने क्रिएट किया है ना इसका नाम, वेब एलिमेंट का नाम डॉट क्लिक एक्शन, क्लिक मेथड हमने कॉल कर लिया। तो ये हो गया हमारा एक्शन मेथड फॉर टू एंटर ईमेल एड्रेस। और ये हो गया एक्शन मेथड टू परफॉर्म क्लिक एक्शन, क्लिक एक्शन ऑन सर्च बटन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वेब एलिमेंट है वो है ये सर्च रिजल्ट, हमें इसको फाइंड करना है। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और ये रही इसकी HTML प्रॉपर्टीज। इसमें ये है, ये जो टेबल क्रिएट किया गया है ये है टेबल टैग, क्योंकि HTML में वेब टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। तो ये है टेबल टैग, और यहाँ पे हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट गिवन है, विड्थ और रोल एट्रीब्यूट गिवन है। तो हम इसके लिए एक्सपाथ एक्सप्रेशन राइट करेंगे, तो हम सिलेक्टर सब ओपन करते हैं, और यहाँ पे डबल स्लैश क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ हम राइट कर रहे हैं, फिर टैग नेम टेबल ब्रैकेट ओपन एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं रोल, इक्वल्स सिंगल कोट में रोल की वैल्यू, ग्रेट, सिंगल कोट्स को क्लोज कर दिया हमने और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया एंड एंटर। और यहाँ पे टेबल, टेबल की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने, टेबल टी ए बी एल। अब यहाँ पे आ रहा है टू एलिमेंट्स मैचिंग, मतलब इस एक्स पाथ एक्सप्रेशन को यूज करके हम दो वेब एलिमेंट्स लोकेट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं पहला वेब एलिमेंट कौन सा है, तो ये जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है वो है ये टेबल। तो अगर हम
सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन यूज करेंगे विदाउट इंडेक्स, तो ये टेबल मिलेगा हमें, क्योंकि अगर दो वेब एलिमेंट्स फाइंड होते हैं तो जो फर्स्ट वेब एलिमेंट होता है वो वेब एलिमेंट रिटर्न होता है। हमने ये पहले के सेशंस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि सेलेनियम सेलेनियम के पहले के सेशंस में हमने मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मोर देन वन वेब एलिमेंट अगर फाइंड होते हैं, लोकेट होते हैं, तो जो फर्स्ट वेब एलिमेंट होता है वो रिटर्न होता है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, और जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हमें ये टेबल वेब एलिमेंट रिटर्न होगा, ये हमारा फर्स्ट वेब एलिमेंट है। तो इसको कर लिया हमने कॉपी, वापस चलते हैं अपने कोड में और यहाँ हम इसको फाइंड कर लेते हैं एट द रेट फाइंड बाय एक्सपाथ इक्वल्स एक्सपाथ एक्सप्रेशन देन वेब एलिमेंट। सर्च रिजल्ट तो अभी जो सर्च रिजल्ट है ये डिस्प्ले हो रहा है टेबुलर फॉर्म में, वेब टेबल में। तो हमें अब चेक करना है इस सर्च रिजल्ट टेबल में कि ईमेल एड्रेस जो हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स में एंटर किया था वो इस सर्च रिजल्ट टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ईमेल एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल के हर रो के फर्स्ट कॉलम को हम चेक करेंगे फॉर ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया है ना, इस ईमेल एड्रेस के लिए हम हर रो के हम ईमेल कॉलम को, मतलब कि हम इस कॉलम को, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम और ये है ईमेल हमारा सेकेंड कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, हम हर रो के सेकेंड कॉलम को हम ईमेल एड्रेस के लिए चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ईमेल एड्रेस एंटर किया है victoria_victoria, यहाँ पे ईमेल इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये ईमेल एड्रेस एंटर किया है, तो जब रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो हमें चेक करना होगा कि जो हमारा सर्च ईमेल एड्रेस है वो इस टेबल में है या नहीं है। तो अब ईमेल एड्रेस फर्स्ट कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है, तो हम हर कॉलम के, हर रो के, अब यहाँ पे जितने भी रोज डिस्प्ले होंगे सर्च रिजल्ट में, उसमें हर रो के हम ईमेल कॉलम को हम चेक करेंगे फॉर एंटर्ड ईमेल एड्रेस, सर्च ईमेल एड्रेस के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक लूप यूज करना होगा जिसमें हम हर रो को हम आइटरेट कर सके, हर रो को हम स्कैन कर सके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट रो हम एक लूप, फॉर लूप रन करेंगे, और उस लूप के अंदर हम ईमेल इस कॉलम को, सेकेंड कॉलम को हम चेक करेंगे फॉर दिस ईमेल टेक्स्ट जो यहाँ पे एंटर किया है ना, सर्च ईमेल टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के लिए हम फर्स्ट रो से लास्ट रो तक हर रो को हम चेक करेंगे, और जैसे ही हमारा ईमेल मैच कर जाएगा हम रिजल्ट को हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, मतलब ईमेल फाउंड। तो इसके लिए हम कोड राइट करेंगे, तो हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है हर रो को स्कैन करने के लिए, हर रो को सर्च करने के लिए फॉर द गिवन ईमेल एड्रेस, फॉर एंटर्ड ईमेल एड्रेस। तो वापस चलते हैं कोड में और यहाँ पे हम अपना कोड राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक बूल, बूलियन रिटर्न टाइप ले लेते हैं, और मेथड का नाम ले लेते हैं सर्च कस्टमर बाय ईमेल, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल फॉर ईमेल एड्रेस के में कौन से ईमेल एड्रेस को सर्च करना है। हमने एक पैरामीटराइज्ड मेथड क्रिएट कर लिया। बाउंड इक्वल्स फॉल्स, अब इनिशियली हमने फाउंड की वैल्यू हमने यहाँ पे फॉल्स सेट कर दी है। अब हमें इस मेथड में क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जो हमारी टेबल है, जो ग्रिड है, उसमें हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं हम वेब पेज पे, और हमें इस ग्रिड का टोटल नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो हम यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक बूल
बूलियन रिटर्न टाइप ले लेते हैं और मेथड का नाम ले लेते हैं सर्च कस्टमर बाय ईमेल, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल फॉर ईमेल एड्रेस के में कौन से ईमेल एड्रेस को सर्च करना है। हमने एक पैरामीटराइज्ड मेथड क्रिएट कर लिया। बाउंड इक्वल्स फॉल्स। अब इनिशियली हमने फाउंड की वैल्यू हमने यहाँ पे फॉल्स सेट कर दी है। अब हमें इस मेथड में क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज। तो जो हमारी टेबल है, जो ग्रिड है, उसमें हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोज, फिर हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं हम वेब पेज पे, और हमें इस ग्रिड का टोटल नंबर ऑफ रोज चाहिए, फिर बॉडी के अंदर टीआर टैग, और यहाँ पे डबल स्लैश आएगा, यहाँ पे आएगा डबल स्लैश, फिर बॉडी के अंदर टीआर टैग, और फिर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करना है तो हम सारे टीआर टैग्स को काउंट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 6 है। टोटल टीआर टैग्स यहाँ पे हमें रिटर्न हो गया, वो है 6 एलिमेंट्स मैचिंग। तो हमें 6 वेब एलिमेंट्स मिले हैं इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? टोटल 6 टीआर टैग्स है, मतलब टोटल 6 रोज है। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करना है। तो हम किसी भी रो का टोटल टीडी टैग हम काउंट कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो या सेकेंड रो, किसी भी रो का अगर हम टोटल टीडी टैग काउंट कर लेते हैं, तो ये देखिए 7 कॉलम्स है, ये हाईलाइट हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें टोटल कॉलम्स मिल गए। तो टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए हम टीआर टैग्स काउंट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम टीडी टैग काउंट करेंगे। तो हम चलते हैं इस कोड, इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन को यूज करके हम वेब एलिमेंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें मोर देन 1 वेब एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे हमने टीडी टैग काउंट किया तो हमें 7 वेब एलिमेंट्स रिटर्न हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें मोर देन 1 वेब एलिमेंट रिटर्न होगा। तो वापस चलते हैं हम कोड में, और यहाँ पे पहले तो हम टेबल डेटा और टेबल डेटा और टेबल रोज के लिए हम यहाँ पे हम फाइंड एट द रेट फाइंड बाय हम ये पूरा स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो यहां हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा एट द रेट फाइंड बाय एक्सपाथ, सॉरी एक्सपाथ इक्वल्स एक्सपाथ एक्सप्रेशन। अभी पहले हम टेबल रोज फाइंड कर लेते हैं, फिर हम टेबल डेटा फाइंड करेंगे फॉर कॉलम्स, और यहां पे हमें रिटर्न होगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, क्योंकि इस एक्सपाथ एक्सप्रेशन को यूज करके हम मोर देन 1 वेब एलिमेंट हमें रिटर्न होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेब एलिमेंट्स की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और यहाँ पे वेब एलिमेंट का हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं टेबल रोज, साथ साथ इनका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद ठीक इसी तरीके से हम टेबल डेटा भी फाइंड कर लेंगे, मतलब टेबल कॉलम्स। तो यहाँ पे हम किसी भी रो का, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फर्स्ट रो का हमने सारे टीडी टैग को काउंट कर लिया, फर्स्ट रो के सारे टीडी टैग को हमने काउंट कर लिया, और यहाँ टेबल कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेबल रोज वेब एलिमेंट और सॉरी टेबल रोज और टेबल रोज एंड टेबल कॉलम्स, इन दोनों वेब एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने फंक्शन में, मेथड में। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रोज चाहिए ग्रिड में, तो हम यहाँ पे उसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टोटल रोज, और जो हमारा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है टोटल रोज के लिए हम उसके साइज को काउंट कर लेंगे।
जस्ट अ सेकेंड, हमने वेरिएबल क्रिएट किया था टेबल रोज, सॉरी टेबल रोज के नाम से हमने क्रिएट किया था ना, तो इस टेबल रोज ये एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं हम बस उनको काउंट कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएगा। तो ये हमारा वेरिएबल डॉट साइज, ये हमें रिटर्न कर देगा कितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज की वैल्यू। अब ठीक इसी तरीके से हम काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जो हमारा लिस्ट वेब एलिमेंट की जो लिस्ट है उसका नाम है कॉलम्स, एंड साइज मेथड को हमने कॉल कर लिया टू काउंट कि कितने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट में, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देते हैं कॉलम्स। तो हमें यहाँ पे मिल गया टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप यूज करना है सारे रोज को स्कैन करने के लिए, आइटरेट करने के लिए। हमें यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करना है जितने भी रोज हैं उनको स्कैन करने के लिए, और उस रो के हम फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे, उस रो के हम फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो थ्रो हमारा ये लूप स्टार्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे i की वैल्यू जीरो की है, एंड i इज लेस देन इक्वल टू टोटल रोज i प्लस प्लस। Iterate all the rows of the grid. अब हमें क्या करना है, हमें हर रो के, वापस चलते हैं वेब पेज पे, हमें क्या करना है हर रो के, अच्छा फर्स्ट रो जो है यहाँ पे ये हेडर रो है, ईमेल नेम फर्स्ट रो है, ये हेडर रो है, तो हम यहाँ पे कोड में हमें यहाँ पे फर्स्ट रो से ना शुरू करके हम सेकेंड रो से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो है, और जो सेकेंड रो की इंडेक्स है वो वन है, तो हम सेकेंड रो से शुरू करेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रो है वो है हेडर रो, फर्स्ट रो में तो सिर्फ हेडर है, हेडिंग है, तो हम इस रो से शुरू करेंगे, सेकेंड रो से शुरू करेंगे। तो हमें हर रो के हमें सेकेंड कॉलम को चेक करना है क्योंकि सेकेंड कॉलम ही हमारा ईमेल एड्रेस का कॉलम है, तो हमें हर रो के सेकेंड कॉलम को चेक करना है। तो हर रो के फॉर ईच रो हमें सेकेंड कॉलम को चेक करना है इसमें क्या टेक्स्ट एंटर्ड है, हमें हर रो के सेकेंड कॉलम के टेक्स्ट को चेक करना है, और अगर ये जो टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट को चेक करना है हमें, और टेक्स्ट को हमें वेरीफाई करना है इस टेक्स्ट से जो यूजर ने टेक्स्ट सर्च में एंटर किया है, सर्च ईमेल बॉक्स में जो यूजर ने टेक्स्ट एंटर किया है ईमेल एड्रेस, हमें इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को हमें वेरीफाई करना है। अगर मैच हो जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर मैच नहीं होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है, तो वापस चलते हैं कोड में, और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू हमने यहाँ पे वन की है, जिससे कि हम हेडर रो को हम स्किप कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो से सेकेंड रो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें हर रो के, अब चूंकि जो टेबल डेटा है वो भी एक वेब एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेब एलिमेंट ईमेल। अब ये जो है हमारा एक्चुअल ईमेल है, और ये जो है हमारा एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्चुअल है, एक्चुअल ईमेल जो भी हमें टेबल डेटा में मिलेगा वो हमारा एक्चुअल ईमेल है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, आई थिंक इसमें हमने एल ड्राइवर लिया है ना, हाँ एल ड्राइवर लिया है हमने, ऑब्जेक्ट का नाम है एल ड्राइवर, एल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और हमें क्या करना है, हमें सेकेंड कॉलम को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अभी हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करने के लिए हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा था, ये एक्सपाथ एक्सप्रेशन, हम इसी को यूज कर लेते हैं,
डबल कोट्स में यहाँ आ गया हमारा एक्स पाथ एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आ गया हमारा टैग नेम, आईडी की वैल्यू कस्टमर ग्रिड, टी बॉडी, फिर यहाँ पे टी आर टैग। अब यहाँ पे हम हार्ड कोड नहीं कर सकते वैल्यू को, हम यहाँ पे वैल्यू को हार्ड कोड नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी हार्ड कोडेड वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू है हमें वो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें उस रो को चेक करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट रो को चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें कौन से रो को चेक करना है, जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू है हमें उस रो को चेक करना है। तो हम यहाँ पे आई वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आई की, जो भी वैल्यू होगी आई की वो वैल्यू स्मॉल आई, वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल आई लिया है, और आई की वैल्यू के बाद हमें इन सबको कंकैटिनेट करना है। ब्रैकेट ओपन, फिर जो भी वैल्यू होगी आई की 1 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर स्लैश के बाद टेबल डेटा, और हमारा टेबल डेटा कौन सा टेबल डेटा है, हमारा हमारा सेकेंड सेकेंड टेबल डेटा है, हमारा सेकेंड टेबल डेटा है, ईमेल एड्रेस हमारा सेकेंड टेबल डेटा है। ये देखिए जो फर्स्ट फर्स्ट टेबल डेटा जो है वो हमारा ये चेकबॉक्स है, और जो सेकेंड टेबल डेटा है वो है हमारा ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड टेबल डेटा लेंगे, ये पहला टीडी टैग और ये है दूसरा टीडी टैग, तो हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे सेकेंड टीडी टैग, क्योंकि सेकेंड टीडी टैग में ही हमें मिलेगा ईमेल एड्रेस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी आ रहा है एरर, ये एरर क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सिंटेक्स एरर ऑन टोकन आई, डिलीट दिस टोकन, यहाँ पे ये हमने ओपन किया, ये क्लोज कर दिया, और यहाँ पे प्लस आई, अब ये करेक्ट हो गया। अब हमें इसमें मिल जाएगा वेब एलिमेंट, अब हमें उस वेब एलिमेंट का टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, हमें इस वेब एलिमेंट का टेक्स्ट चाहिए, तो यहां पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड, एक्चुअल ईमेल एड्रेस, और हमारा वेब एलिमेंट इसका नाम हम चेंज करके एलिमेंट कर देते हैं, वेब एलिमेंट ईमेल। और टेक्स्ट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट मेथड, गेट टेक्स्ट मेथड। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड और ये हो गया हमारा एक्चुअल। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करना है, तो हमारा स्टेटमेंट होगा इफ एक्चुअल ईमेल एड्रेस डॉट इक्वल्स ईमेल, तो हमें फाउंड को हमें ट्रू रिटर्न करना है, फाउंड इक्वल्स ट्रू, एल्स तो फाउंड हमारा फॉल्स है ही। और यहां पे एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगा फंक्शन के रिटर्न के लिए, रिटर्न फाउंड, हमने फाउंड को इनिशियलाइज किया है फॉल्स से, और जैसे ही हमें ग्रिड में ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड ईमेल एड्रेस है, जो भी हमने सर्च ईमेल बॉक्स में एंटर किया है, तो हम फाउंड को कर देंगे ट्रू, फाउंड को हम कर देंगे ट्रू, और यहां पे हम रिटर्न कर देंगे फाउंड को, रिटर्न हमें यहाँ पे लास्ट में करना है, रिटर्न हमें लास्ट में करना है।
मेथड के लास्ट में यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे ये वेरिएबल हमारा अनयूज रह गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉलम है वो कौन से कॉलम को हमें चेक करना है। ईमेल के लिए हमें पता है कि हमारा सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हमने टीटी टैग में यहाँ पे टू राइट कर दिया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको कर दिया कॉमेंट। तो अब हमारा पेज ऑब्जेक्ट क्लास तो हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे जो भी स्टेप्स ऐड किए हैं हमें उसके लिए स्टेप डेफिनेशन चाहिए। यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स ऐड किए हैं हमें इसके स्टेप डेफिनेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे स्टेप्स अनइम्प्लीमेंटेड हैं, क्योंकि इनिशियल फ्यू स्टेप्स तो हमारे कॉमन ही है, सर्च गिवन से लेकर यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, ओपन्स यूआरएल, एंटर्स ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन, व्यू डैशबोर्ड, यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू, यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम, यहां तक के स्टेप्स तो हमारे कॉमन है, ऑलरेडी हमने इनको स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऑलरेडी हमने जब एड न्यू कस्टमर सिनेरियो हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो ये वाले फर्स्ट फ्यू स्टेप्स 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टेप्स तो हमने ऑलरेडी स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, वो कौन से हैं, वो इसके आगे के हैं। एंटर कस्टमर ईमेल, यहां से ये वाले जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स आई गेस, ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि क्लोज ब्राउजर का भी हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एक बार हम इस फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक एंड रन एज कम्बर फीचर, और ये रहा इसका आउटपुट। तो इसमें जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होंगे वो सारे हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी इस फीचर फाइल में चूंकि हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, तो हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है, एड कस्टमर वाला सिनेरियो। तो यहां पे देखते हैं कौन कौन से मेथड्स अनइम्प्लीमेंटेड हैं। ये देखिए ये सारे मेथड्स यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड है। यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स विद स्निपेट बिलो। तो इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और ये जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं हमारे, इनको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो इन तीनों मेथड्स को हमने कॉपी कर लिया, यही मेथड्स हमें चाहिए थे इसीलिए हमने इस फीचर फाइल को हमने एग्जीक्यूट किया था इसी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स के लिए, और इसको हम यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन फाइल में यहां कर देते हैं पेस्ट। और ये जो हमें नहीं चाहिए एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन और ये कमेंट, इनको हम कर देते हैं डिलीट। यहां आएगा हमारा खुद का कोड, ठीक है, एंड सेव। अब हम इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले एंटर कस्टमर ईमेल। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने जो अभी पेज ऑब्जेक्ट क्लास हमने क्रिएट किया है, इस पेज ऑब्जेक्ट क्लास का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम एंटर कस्टमर, एंटर ईमेल एड्रेस इस मेथड को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में, और जैसे हमने बाकी दोनों पेज ऑब्जेक्ट क्लासेस का हमने मेथड क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही हम इसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक सर्च कस्टमर, पेज क्लास का नाम दे दिया सर्च कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट का नाम, और इसको हम कर लेंगे इनिशियलाइज।
क्लास का नाम इक्वल्स न्यू, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल्स न्यू के बाद यहाँ पे क्लास का नाम, सर्च कस्टमर पेज, और यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को यूज करके सारे मेथड्स हमें कॉल करने हैं। तो यहां से शुरू हुआ था एड न्यू कस्टमर का सेक्शन, और इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा सर्च कस्टमर का। तो यहां पे भी हम एक कमेंट लिख देते हैं, सर्च कस्टमर। यहां से सर्च कस्टमर के स्टेप्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले एंटर करना है ईमेल एड्रेस, तो सर्च कस्टमर पेज डॉट एंटर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे जो भी हमें ईमेल एड्रेस सर्च करना है वो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है ये वाला ईमेल एड्रेस, victoria_victoria@mopicommerce.com। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पेस्ट। अब इसके बाद कौन सा मेथड है, क्लिक ऑन सर्च बटन, देन अगेन सर्च कस्टमर पेज का ऑब्जेक्ट डॉट क्लिक ऑन सर्च बटन। अब इसके बाद क्या है लास्ट मेथड हमारा, यूजर शुड फाउंड ईमेल इन द सर्च टेबल। अब ये है हमारा वेरिफिकेशन पार्ट, यहां हमें वेरीफाई करना है। तो जो हमारा सर्च, तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है हमें उससे मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा एक तो आएगा एक्चुअल ईमेल एड्रेस और दूसरा आएगा एक्सपेक्टेड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड ईमेल एड्रेस के लिए हम यहाँ पे हम टेक्स्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यह है हमारा एक्सपेक्टेड ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया था। या हम चाहें तो इसके लिए हम वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने एज इट इज यहां इसको मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमें चाहिए एक्चुअल ईमेल एड्रेस, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सर्च के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट किया था, सर्च सर्च कस्टमर बाय ईमेल। हम इस मेथड को कॉल करेंगे और ये मेथड एक्सपेक्टेड ईमेल एड्रेस से एक्चुअल ईमेल एड्रेस को कंपेयर करके ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा। तो हम इसी मेथड को कॉल करेंगे हमारे स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये रहा हमारे पेज ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट सर्च कस्टमर बाय ईमेल, और ये है हमारा एक्सपेक्टेड ईमेल। और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, इफ दिस इक्वल्स ट्रू, तो यहाँ पे assert डॉट assert ट्रू, else assert डॉट assert false। हम चाहते तो डायरेक्टली इस assert स्टेटमेंट में भी हम राइट कर सकते थे, मैं आपको बताती हूं कैसे। हम चाहते तो इतना सारा कोड ना लिख करके इसको मैं कर देती हूं कॉमेंट। हम डायरेक्टली हम वन लाइन में भी इन सारे काम को हम कर सकते थे, कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसको मैंने कर दिया कॉमेंट। assert डॉट assert ट्रू, और यहां पे हम ये पूरा स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम ये सारा कोड जो हमने कमेंट किया है ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों ही कोड सही है। पर यहाँ पे ये है कि सिंगल स्टेटमेंट में काम हो गया हमारा, यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइन्स लिखने पड़े एक ही काम को करने के लिए।
अब हमारा ये स्टेप डेफिनेशन फाइल भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने फीचर फाइल इंप्लीमेंट कर लिया, फीचर फाइल में हमने न्यू सिनेरियो ऐड कर लिया, फीचर फाइल में हमने न्यू सिनेरियो ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हमने इस सिनेरियो के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल भी हमने अपडेट कर लिया जो भी हमारे नए स्टेप्स हैं उनके लिए। अब इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, हमें फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो फीचर फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेस्ट रनर फाइल है, इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये है हमारा रनर फाइल। यहाँ पे हम पहले एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ड्राई रन की वैल्यू यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि सारे फीचर फाइल्स के स्टेप्स मैप हो गए हैं या नहीं है, मतलब सारे फीचर फाइल में जितने भी स्टेप्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप डेफिनेशन फाइल में है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया ड्राई रन की वैल्यू को ट्रू और राइट क्लिक रन एज जे यूनिट टेस्ट और ये ड्राई रन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और ये ड्राई रन एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। तो यहां पे ये देखिए सारे स्टेप्स का इम्प्लीमेंटेशन है फीचर फाइल में, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है यहां पे। तो अब हम एक्चुअल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। तो अब हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम ड्राई रन की वैल्यू को कर देते हैं फॉल्स। यहां हम ड्राई रन की वैल्यू कर देते हैं फॉल्स और जब हम इस फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल को, तो दो टेस्ट सिनेरियोस रन होंगे, एड न्यू कस्टमर एंड सर्च कस्टमर बाय ईमेल। तो हमने ऑलरेडी एड न्यू कस्टमर टेस्ट सिनेरियो को हमने पहले एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो हमने जो लास्ट टाइम ईमेल एड्रेस यूज किया था न्यू कस्टमर को एड करने के लिए, उस ईमेल एड्रेस से ऑलरेडी एक कस्टमर हमने एड कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उस ईमेल एड्रेस को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम कोई एक न्यू ईमेल एड्रेस हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हम ईमेल एड्रेस यूज कर लेते हैं cs123@gmail.com और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम सेम ही रहने देते हैं। और अब हम इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, इस फीचर फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देन राइट क्लिक रन एज जे यूनिट टेस्ट। तो पहले एग्जीक्यूट होगा एड न्यू कस्टमर और फिर एग्जीक्यूट होगा सर्च कस्टमर बाय ईमेल। न्यू कस्टमर सक्सेसफुली एड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सिनेरियो सर्च कस्टमर बाय ईमेल एग्जीक्यूट होना चाहिए। दोनों टेस्ट सिनेरियो हमारे एग्जीक्यूट हो गए, ब्राउजर क्लोज हो गया। ये देखिए दोनों ही टेस्ट सिनेरियो हमारे पास हो गए हैं, रन टू अप टू एरर जीरो फेलियर जीरो। अब हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो रिपोर्ट हमारी कहाँ जनरेट हो रही है, हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है टारगेट फोल्डर में। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना पास पाथ, HTML रिपोर्ट हमें जनरेट करनी थी और ये रहा उसका डेस्टिनेशन। टारगेट के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट फोल्डर, उसके अंदर रिपोर्ट अंडर स्कोर HTML.HTML। तो ये रहा हमारा फोल्डर, इसको हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश और ये रही हमारी रिपोर्ट फाइल। इसको हम ओपन करेंगे ब्राउजर में, ओपन विथ अदर्स और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोग्राम्स में क्रोम HTML डॉक्यूमेंट एंड ओके। तो ये रही हमारी रिपोर्ट और ये देखिए ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो, सारे स्टेप्स ग्रीन कलर से टिक दिख रहे हैं, तो सारे स्टेप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। और ये देखिए नेक्स्ट सिनेरियो हमारा सर्च कस्टमर बाय ईमेल, ये भी हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, हम एक और सिनेरियो इसमें ऐड करते हैं। अब वो सिनेरियो होगा हमारा सर्च कस्टमर बाय नेम, सर्च कस्टमर बाय नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, सर्च कस्टमर बाय हम फर्स्ट नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपडेट करना है फीचर फाइल। तो हम चलते हैं फीचर फाइल में और यहां पे हम एक न्यू सिनेरियो ऐड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च कस्टमर बाय ईमेल ऐड किया था, वैसे ही हम एक और सिनेरियो यहाँ पे हम ऐड
ऑलरेडी मैंने सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये है हमारा सिनेरियो। फीचर फाइल में किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट आउट करने के लिए हम हैश सिंबल यूज करते हैं। हैश सिंबल यूज करके हम किसी भी स्टेटमेंट को हम कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी ये सारे कमेंट्स रिमूव कर देती हूँ, फटाफट रिमूव कर देते हैं सारे कमेंट्स। अभी यहाँ पे फीचर फाइल में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट नेम यूज कर रहे हैं सर्च करने के लिए। सर्च कस्टमर बाय फर्स्ट नेम, हम चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ पे हम फर्स्ट नेम के साथ साथ हम लास्ट नेम भी ऐड कर देते हैं। फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे हम कर देते हैं लास्ट नेम भी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों ही एंटर करना है यूजर को। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो सर्च बाय नेम का रेडी। सबसे पहले लॉन्च क्रोम ब्राउजर, गिवन है हमारे पास यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर। व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल, यूजर एंटर्स ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन यूजर व्यू डैशबोर्ड, यूजर क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू, यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम। यहां तक तो हमारा सेम है, एग्जैक्टली सेम है जो सर्च बाय ईमेल का था। तो ऑलरेडी हमने इतना तो इतने स्टेप्स का हमने इतने स्टेप्स को तो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। स्टेप डेफिनेशन फाइल में इन सारे स्टेप्स को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारा क्या बचा हुआ है, तो हमें ये वाले स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये वाले स्टेप्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। यूजर शुड फाउंड नेम इन सर्च टेबल, ये भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसके पहले हमने इम्प्लीमेंट किया था यूजर शुड फाउंड ईमेल इन सर्च टेबल, पर अब हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजर शुड फाउंड नेम इन सर्च टेबल। ठीक है, तो ये है हमारा टेस्ट सिनारियो। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका पेज ऑब्जेक्ट क्लास रेडी करना है। तो हमने ऑलरेडी सर्च कस्टमर पेज के लिए क्लास तो क्रिएट किया हुआ है। अब जो हमारे न्यू वेब एलिमेंट्स हैं जिससे यूजर को इंटरेक्ट करना है, हम उनको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं और उनके लिए हम एक्शन उनके लिए हम एक्शन मेथड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे जो न्यू वेब एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, एक बार उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एंटर करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास आईडी गिवन है, तो हम बाय डॉट आईडी यूज करेंगे फर्स्ट नेम को लोकेट करने के लिए। टैग नेम है इनपुट, पर हमें टैग नेम तो चाहिए नहीं क्योंकि हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। और ठीक ऐसे ही हम लास्ट नेम को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी की वैल्यू गिवन है, हम इसको भी बाय डॉट आईडी यूज करके हम लोकेट कर लेंगे। तो इन दोनों वेब एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हैं और इन पे हमें टेक्स्ट एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करना है फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में और लास्ट नेम एंटर करना है लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में। तो इनके लिए हमें एक्शन मेथड भी राइट करना है। तो चलते हैं कोड में और इन दोनों को फाइंड करते हैं और इनका हम एक्शन मेथड राइट करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने ये टेबल कॉलम्स फाइंड किया था, पर ये कहीं यूज तो हो नहीं रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये अनयूज है, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया कहीं भी। हमने टेबल रोज तो यूज किया पर टेबल कॉलम यूज नहीं किया, तो हम ऐसा करते हैं अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, जब चाहिए होगा तो इसको हम अनकमेंट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट आएगा फर्स्ट नेम को फाइंड करने के लिए, एट द रेट फाइंड बाय आईडी इक्वल्स, यहाँ पे डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू, सर्च फर्स्ट नेम दे दिया हमने, वेब एलिमेंट फर्स्ट नेम। अब इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और मॉडिफाई करके इसको हम कर देंगे लास्ट नेम। सर्च फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे आएगा लास्ट नेम। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आईडी की वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए वरना हमें एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा। और यहां लास्ट नेम। अब हमें इन दोनों के एक्शन मेथड्स राइट करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं हम इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको ही हम मॉडिफाई कर देंगे
एंटर ईमेल एड्रेस को हम मॉडिफाई कर देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। तो यहां पे हमने कर दिया इसको पेस्ट, एंटर फर्स्ट नेम और यहां पे एंटर फर्स्ट नेम मेथड का नाम और यहां पर भी फर्स्ट नेम टेक्स्ट। यहां वेब एलिमेंट फर्स्ट नेम सेंड कीज और ये हमें ये टेक्स्ट इसमें एंटर करना है फर्स्ट नेम का। अब ठीक है ऐसे ही हम लास्ट नेम के लिए भी कर लेते हैं। इसको कर लिया हमने कॉपी और यहां पेस्ट एक्शन मेथड टू एंटर लास्ट नेम और यहां पे मेथड का नाम चेंज करके लास्ट नेम और यहां पे स्ट्रिंग का भी नाम चेंज करके हमने यहाँ पे लास्ट नेम टेक्स्ट कर दिया और यहाँ वेब एलिमेंट का नाम चेंज करके लास्ट नेम सेंड कीज मेथड और यहाँ पे हमें एंटर करना है लास्ट नेम टेक्स्ट। कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए और हमारा ये दोनों एक्शन मेथड भी हो गया कंप्लीट। अब हमने जैसे सर्च कस्टमर बाय ईमेल के लिए हमने मेथड क्रिएट किया था, अब ठीक ऐसे ही हम मेथड क्रिएट करेंगे सर्च कस्टमर बाय नेम के लिए। अभी इसके आगे के जो भी हमारे मेथड्स हैं ये सर्च कस्टमर बाय नेम के हैं। यहां पे हम कंट्रोल बी और इस मेथड का नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बॉडी वो काफी हद तक सेम ही रहने वाली है नेम और यहां पे आएगा नेम। ठीक है यहां पे हमें रो तो चाहिए क्योंकि जब भी कस्टमर का हम यहाँ पे नाम एंटर करेंगे ईमेल एड्रेस की जगह फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नाम एंटर किया विक्टोरिया एंड यहाँ पे हमने एंटर किया विक्टोरिया और फिर हमने एंटर किया टर्सेस और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन पे तो हमें इस नेम कॉलम को हमें वेरीफाई करना है, इस नेम कॉलम को हमें चेक करना है। यहाँ पे जितने भी रोज डिस्प्ले होंगे अभी तो चूंकि यहाँ पे एक ही रो है तो एक ही एंट्री है, एक ही कस्टमर की एंट्री है इस नाम से तो यहाँ पे एक ही रो डिस्प्ले हो रहा है। तो रियल टाइम सिनेरियो में क्या हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा कस्टमर का नाम विक्टोरिया टेरेसेस होगा तो यहाँ पे मल्टीपल रोज हमें मिलेंगे सर्च रिजल्ट में। तो हमें हर रो को स्कैन करना है और इस नेम कॉलम को हमें चेक करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। यहाँ पे नेम कॉलम में नेम कॉलम जो है ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इसी कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है। तो ईमेल कॉलम के लिए ईमेल एड्रेस के लिए हमने सेकंड कॉलम को हमने चेक किया था, सेकंड टीडी टैग हमने चेक किया था, तो नेम के लिए हम थर्ड टीडी टैग को हम चेक करेंगे। तो वापस चलते हैं कोड में, तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है ये सारा कोड, ये हमें कोड नहीं चाहिए, ये हमने डिलीट कर दिया और हमने सारे रो को स्कैन करना है ग्रिड के जितने भी रोज हैं, ये मैंने टेस्ट के लिए लिखा था ये मैंने डिलीट कर दिया। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे टीडी टैग सेकंड की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड टीडी टैग नेम के लिए क्योंकि सेकंड में तो है ईमेल एड्रेस और यहाँ पे थर्ड में आएगा नेम, तो यहाँ पे हमने थ्री कर दिया। तो जितने भी रोज डिस्प्ले होंगे सर्च रिजल्ट में हर रो का थर्ड कॉलम चेक होगा नेम के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल नेम, ये है हमारा एक्चुअल नेम, तो यहाँ पे हम वेब एलिमेंट का नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम ये भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा नेम और यहाँ पर आ जाएगा नेम और ये है एक्चुअल नेम। तो हमें क्या करना है, ये भी मैंने चेक करने के लिए लिखा था बाद में, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने उनको डिलीट कर दिया, वो बीच में मैंने सिर्फ चेक करने के लिए राइट किया था। नेम ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड नेम और ये हो गया एक्चुअल नेम और इसको मैंने यहां से इसको हम कर लेते हैं इंडेंट, कंट्रोल ए कंट्रोल आई
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। तो अगर एक्चुअल और इक्वल सेम हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। हम यहाँ पे चाहे तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिल गया ना एक हमें वो मिल गया, एक एंट्री मिल गई, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, हम लूप को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार ही फाउंड हो गया, अगर ट्रू हो गया, अगर हमारा ये वेरिफिकेशन पॉइंट करेक्ट हो गया, तो हमें आगे फॉर लूप को रन करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया फॉर लूप। तो हमारा ये पेज ऑब्जेक्ट क्लास भी हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप डेफिनेशन फाइल अपडेट करना है। तो जो भी हमारे मिसिंग स्टेप्स हैं फीचर फाइल के, जो भी हमारे न्यू स्टेप्स हैं सर्च कस्टमर बाय नेम सिनेरियो के, हमें उनको इंप्लीमेंट करना है। तो हमें इन सारे स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना है, टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो एक बार हम ऐसा करते हैं, इस फीचर फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमें अनइम्प्लीमेंटेड स्टेप्स मिल जाएं, फिर उनको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये स्टेप्स तो हमें मिली गई, ये हैं सारे अनइम्प्लीमेंटेड स्टेप्स, इनको हम कर लेते हैं यहां से कॉपी। ये सारे स्टेप्स हैं, एंटर कस्टमर फर्स्ट नेम, एंटर कस्टमर लास्ट नेम, यूजर शुड फाउंड नेम इन सर्च टेबल, इनको हमने कर लिया कॉपी। अब हम चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में और यहां इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट। सर्च कस्टमर बाय नेम और यहां इसको कर देते हैं पेस्ट, और हमें ये कमेंट और ये थ्रो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें एंटर करना है फर्स्ट नेम, तो हमने ऑलरेडी पेज ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास का, सर्च कस्टमर पेज, और ये रहा ऑब्जेक्ट। हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया और डॉट लगाकर एंटर फर्स्ट नेम, और हमें जो भी नेम यहाँ एंटर करना है सर्च करने के लिए, वो नेम हम यहाँ पे डबल कोट्स में राइट कर देते हैं। तो हमें नेम एंटर करना है विक्टोरिया, तो हम कोड में यहाँ पे डबल कोड्स में हमने एंटर कर दिया विक्टोरिया। अब ठीक इसी तरीके से लास्ट नेम भी हम एंटर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम, और विक्टोरिया की जगह यहाँ पे हम लास्ट नेम राइट कर देते हैं। लास्ट नेम भी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने एंटर कर लिया। अब हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है यूजर शुड फाउंड नेम इन द सर्च टेबल। तो हमने ऑलरेडी ईमेल के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक यही कोड हमें इसी तरह का कोड हमें दोबारा से नेम के लिए भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईमेल की जगह आएगा एक्सपेक्टेड नेम, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं नेम। हमारा एक्सपेक्टेड नेम है विक्टोरिया, विक्टोरिया, एंड लास्ट नेम भी इसी में आएगा, क्योंकि जो नेम है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एक स्पेस के बाद लास्ट नेम, इस सर्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है यहां पर।
यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ईमेल को। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल नेम को, यहाँ पे हमारा नेम फंक्शन है ये, तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल नेम को। तो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड नेम, तो यहाँ पे ईमेल की जगह आ गया नेम। और हमने ऑलरेडी चूंकि पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट किया है सर्च कस्टमर बाय नेम के लिए, तो हमने वो मेथड कॉल कर लिया। और अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो जाएगा, अगर ग्रिड में हमें सर्च रिजल्ट ग्रिड में अगर हमें एक्चुअल जो नेम डिस्प्ले हो रहा है हर रो में, अगर वो हमारे एक्सपेक्टेड नेम से मैच होगा तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर ट्रू होगा तो हमारा सर्च स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा सर्च स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ये मेथड भी हो गया कंप्लीट। याश का जितना भी कोड हमने इंप्लीमेंट किया है, ये सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब में शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल कंप्लीट कर लिया, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम चलते हैं रनर फाइल में, ये रहा हमारा रन डॉट जावा, और यहाँ पे पहले हम ड्राई रन करेंगे। तो ड्राई रन की वैल्यू कर दी हमने ट्रू और इसको कर दिया हमने सेव, राइट क्लिक रन एज जे यूनिट टेस्ट। जब ड्राई रन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम इसको ड्राई रन की वैल्यू को हम फॉल्स करके फीचर फाइल को हम टेस्ट केसेस को हम सारे सिनेरियोस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये ड्राई रन का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं हमारे फीचर फाइल में, जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन है स्टेप डेफिनेशन फाइल में। ये देखिए सबका इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है स्टेप डेफिनेशन फाइल में, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है। तो अब हम इसको फीचर फाइल को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, सिनेरियोस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राई रन की वैल्यू कर देते हैं फॉल्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक न्यू, अब चूंकि हमारे पास फीचर फाइल में एड न्यू कस्टमर भी, ये भी एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हमें एक न्यू ईमेल आईडी चाहिए। तो यूजर की इंफॉर्मेशन हम जहां पे एंटर कर रहे हैं वहां पे हम न्यू ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं। तो CS123 की जगह हम ऐसा करते हैं CS124 कर लेते हैं एंड सेव, और अब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट क्लिक रन एज जे यूनिट टेस्ट। तो अब तीनों सिनेरियोस हमारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो एड न्यू कस्टमर, ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब सेकंड सिनेरियो, लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, आई थिंक हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं। एक बार इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं। एक एरर है, सारे हमारे पास नहीं हुए हैं, एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ये है इसकी लोकेशन, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्राउजर में, देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। तो हमारा सर्च कस्टमर बाय ईमेल, ये टेस्ट केस हमारा फेल हो गया है। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू, तो यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम, और सर्च कस्टमर बाय नेम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं इसमें। आई थिंक कुछ सिंक्रोनाइजेशन इशू की वजह से हमारा टेस्ट केस पास नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट केस तो हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है। तो यार स्टेप डेफिनेशन फाइल में लेट्स ऐड सम स्लीप। तो यहाँ पे हम एक स्लीप ऐड कर देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, जिससे कि थोड़ा स्लो एग्जीक्यूशन हो, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में हम थोड़ा गैप ऐड कर देते हैं, 2 सेकेंड का स्लीप ऐड कर देते हैं।
ये हो गया 2000 मिलीसेकंड, और उसको हम ट्राई कैश ब्लॉक के अंदर ले लेते हैं, और मेन्यू आइटम के क्लिक के बाद भी हम थोड़ा स्लीप ऐड कर देते हैं। और सर्च बटन में जब हम क्लिक करेंगे, जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद भी हम थोड़ा स्लीप ऐड कर देते हैं, यहां पर भी हम थोड़ा स्लीप ऐड कर देते हैं। अब हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक, रन एज जी यूनिट टेस्ट। ओ, हमें एक न्यू ईमेल एड्रेस लेना चाहिए क्योंकि उसमें एरर आ रहा है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे हम एक ईमेल एड्रेस हम एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम एक फ्रेश ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। आप चाहें तो ईमेल एड्रेस आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हैं। राइट क्लिक, रन एज, सॉरी, ये रन डॉट जावा में, यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज जे यूनिट टेस्ट। ये हमारा थर्ड सिनेरियो, सर्च बाय कस्टमर नेम। तो इस बार तीनों सिनेरियो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। रन थ्री, कोई भी फेलियर नहीं। अब एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं हम। ये है हमारी रिपोर्ट, इसको हम एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश, और ये है हमारी रिपोर्ट ओपन विथ अदर्स, और यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, और ये रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई। तो ये देखिए, एड न्यू कस्टमर, सर्च बाय ईमेल एंड सर्च बाय नेम, तीनों ही सिनेरियोस हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। सारे ग्रीन टिक्स का मतलब है सारे स्टेप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट हम समझते हैं बैकग्राउंड कीवर्ड। बैकग्राउंड कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है? फीचर फाइल में एक होता है बैकग्राउंड कीवर्ड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बैकग्राउंड कीवर्ड का क्या मतलब होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जितने भी हमारे रिपीटिंग स्टेप्स हैं, जितने भी हमारे रिपीटिंग स्टेप्स हैं, उन रिपीटिंग स्टेप्स को हम बार बार सिनारियो फाइल में ना लिख करके हम इन रिपीटिंग स्टेप्स के लिए यूज करेंगे बैकग्राउंड कीवर्ड। अब क्या क्या है हमारे रिपीटिंग स्टेप्स? गिवन यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, वेन यूजर ओपन्स दिस URL, एंड यूजर एंटर्स ईमेल एंड पासवर्ड एंड क्लिक्स ऑन लॉग इन, यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। ये जो स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स हर सिनेरियो में रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 5 स्टेप्स को हम बैकग्राउंड कीवर्ड के अंदर ले लेंगे। इन 5 स्टेप्स को हम बैकग्राउंड कीवर्ड में राइट करेंगे, क्योंकि ये 5 स्टेप्स जो है यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड तक, ये सारे स्टेप्स बार बार हर सिनेरियो में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि डैशबोर्ड तक तो यूजर को जाना ही है कोई और स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, डैशबोर्ड तो ओपन होगा ही होगा। तो इन सारे स्टेप्स को हम बैकग्राउंड कीवर्ड के अंदर ले लेंगे। तो जो भी रिपीटिंग स्टेप्स होते हैं, जो बार बार हर सिनेरियो के लिए कॉमन स्टेप्स होते हैं, उनको हम बैकग्राउंड कीवर्ड में राइट करते हैं। तो यहाँ पे इन स्टेप्स को हम कॉपी कर लेते हैं, यहां से हमने कट कर लिया, इनफैक्ट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहां से हमने इनको कट कर लिया,
और यहां पे हम एक कीवर्ड राइट करेंगे बैकग्राउंड। और यहां पे हम दे देते हैं टाइटल स्टेप्स कॉमन फॉर ऑल सिनेरियोस। और जो भी स्टेप्स हमारे कॉमन स्टेप्स हैं यहां पे उनको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें इन स्टेप्स को जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड में लिखे हुए हैं ये सारे स्टेप्स, इन्हें हमें बार बार सिनेरियो फाइल में लिखने की जरूरत नहीं है। सो सिनेरियोस के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इन सबको यहां से कर देती हूँ रिमूव। तीनों ही सिनेरियोस से मैंने कॉमन स्टेप्स रिमूव कर दिए। अब जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे सिनेरियो फाइल्स को तो ये जो बैकग्राउंड स्टेप्स हैं वो सारे सिनेरियोस के साथ ऑटोमेटिकली रन होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो वापस चलते हैं रन डॉट जावा में, पर रन करने से पहले हम एक न्यू ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया 9 cs129@gmail.com। अब ये एक न्यू ईमेल एड्रेस हो गया क्योंकि उस ईमेल एड्रेस से तो ऑलरेडी हमने एक बार कस्टमर इन्फॉर्मेशन एड कर लिया है। यहाँ पे हमने किया राइट क्लिक, देन रन एज जे यूनिट टेस्ट। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट हो गया एड न्यू कस्टमर का, अब हमारा सेकेंड सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकेंड सिनेरियो है सर्च बाय ईमेल, ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सिनेरियो सर्च बाय नेम, ये भी कंप्लीट हो गया। तीनों सिनेरियोस कंप्लीट हो गए और ये रही हमारी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को हम यहां पे कर लेते हैं रिफ्रेश और ये देखिए ये रही हमारी रिपोर्ट। सारे स्टेप्स हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए और जो बैकग्राउंड स्टेप्स थे वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए तीनों सिनेरियोस के लिए। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कीवर्ड यूज करते हैं रिपीटिंग स्टेप्स के लिए। जो कॉमन स्टेप्स हैं सिनेरियोस के लिए उनको हम बैकग्राउंड कीवर्ड के अंदर राइट कर देते हैं और वो स्टेप्स सारे सिनेरियोस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। फिर तो लास्ट सेशन में हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग किया था और हमने रिपोर्ट जनरेट किया था एचटीएमएल फॉर्मेट में, जेएसएन और एक्सएमएल फॉर्मेट में, और हमने एक न्यू फीचर फाइल क्रिएट किया था एड न्यू कस्टमर। और आज के सेशन में हमने क्या क्या किया ये भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सेशन 3, आज हमने क्या क्या किया, हमने कुछ नए सिनेरियोज ऐड किए कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल में, एडेड न्यू सिनेरियोज इन कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल। और हमने क्या किया, सिनेरियोज क्या क्या हमने ऐड किए, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, और सिनेरियो सर्च कस्टमर बाय नेम, ये दो सिनेरियोज हमने ऐड किए। और हमने बैकग्राउंड कीवर्ड क्या होता है हमने ये डिस्कस किया। तो आज के सेशन में हमने ये दो सिनेरियोज हमने ऐड किए कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल में और हमने बैकग्राउंड कीवर्ड को यूज किया फॉर रिपीटिंग स्टेप्स।
जो भी कॉमन स्टेप्स हैं सिनेरियोज में उनके लिए हमने बैकग्राउंड कीवर्ड यूज किया। इन सबको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा, एग्जीक्यूट करके देखा दोनों सिनेरियोज के टेस्ट स्क्रिप्ट को। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।